साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एआई वर्कर को एआई शुरू करने से पहले उसके पास में क्या क्या सामान होना, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी होते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले नीड होती है क्रायो जार और LN2 की। LN2 जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सीमन को इसी में सुरक्षित रखा जाता है और सीमन को सुरक्षित रखने के लिए LN2 की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो LN2 है इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना आसान नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल रूप में ये LN2 लगातार वाष्पीकृत होती रहती है। तो इसे वाष्पीकरण से रोकने के लिए, इसको स्टोरेज करने के लिए विशेष टेक्निक और मटेरियल से कंटेनर बनाकर इसको उनमें भरा जाता है। उन कंटेनर्स को हम क्रायो जार या क्रायो कंटेनर कहते हैं। अच्छी क्वालिटी के क्रायो कैन से LN2 का वाष्पीकरण कम होता है और वो ज़्यादा समय तक रहती है। तो हमें नीड होती है एक अच्छी क्वालिटी के क्रायो कैन की भी। फिर हमें चाहिए होती है सीमन स्ट्रा, जिसमें सीमन को फ्रीज करके स्टोर करके रखा होता है। इसमें गाय, भैंस, बकरी सब के अलग अलग ब्रीड के सीमन होते हैं। और फिर हमें चाहिए होती है एक AI गन। AI करने के लिए AI गन एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होता है। यही वो उपकरण है जो सीमन को स्ट्रा से सर्विक्स और यूट्रस तक पहुंचाता है। AI गन के दो भाग होते हैं। एक भाग जो ऊपरी भाग होता है वो खोखला होता है, जिसे बैरल कहते हैं, और दूसरा भाग होता है पिस्टन, जो बैरल के खोखले भाग में होता है, जो गन के पिस्टन की तरह आगे पीछे होता है। फिर हमें चाहिए होती है बढ़िया क्वालिटी की AI सीट। AI सीट जो एक लंबी कवर की नली होती है जो PVC की बनी होती है। इसको AI के समय AI गन पर पहनाया जाता है और सीट ही वेजाइना और सर्विक्स के संपर्क में आती है। तो सीट भी हमेशा बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए होता है एक अच्छी क्वालिटी का AI स्लीव, जिसको हम हाथ में पहन के AI करते हैं। और एक हमें चाहिए होता है स्ट्रा कटर। स्ट्रा कटर जो स्ट्रा काटने के काम आता है, तो स्ट्रा कटर की जगह हम तेज़ धार की कैंची या ब्लेड भी यूज ले सकते हैं। जो भी चीज़ हम यूज़ में ले रहे हैं उससे स्ट्रा एक बार में कट जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे दो तीन बार काट रहे हैं फिर वो कट रही है, नहीं, एक बार में कट जानी चाहिए, वो चाहे स्ट्रा कटर हो या कैंची हो या फिर ब्लेड हो। और सबसे हमें चाहिए होता है फोर्सेप, जिसकी सहायता से क्रायो जार में से सीमन स्ट्रा को निकालते हैं। AI करते समय हमें कई सावधानियां रखनी होती है। एक छोटी सी सावधानी से फ़ायदा अधिक होता है, तो वहीं हमारी एक छोटी सी लापरवाही से नुकसान भी अधिक होता है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि गाय भैंस के अंदरूनी अंग बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए हल्की सी असावधानी से अंदर इन्फेक्शन पहुँचने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए AI के हर कदम को, हर स्टेप को वैज्ञानिक ढंग से हमें पूरा करना चाहिए। पशुओं के नाम पर AI करते समय कई टेक्नीशियन जो इनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनका ये मानना होता है कि पशुओं में क्या फ़र्क पड़ता है, हम कुछ भी करें तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, इसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे कृत्रिम गर्भाधान स्त्री में किया जा रहा हो या गाय भैंस में किया जा रहा हो, दोनों की वैज्ञानिक विधि का आधार एक जैसा ही है। इसलिए दोनों में सावधानियाँ भी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशु है तो ये बोल नहीं रहा है तो हम इसके साथ कुछ भी कर दें, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।